जाओ काम करो, तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे बेटा, खाली यार जाओ। ये गढ़ी फार्म जगदेवपुर भीरा जिला लखीमपुर खीरी है और आज देखिए यहाँ गन्ने की बुआई हो रही है और ये हमारे प्रगतिशील कृषक हैं सरदार परमजीत सिंह खैरा जी। तो ये देखिए गन्ना बुआई हो रही है तो यहाँ देखिए खाद जो है मिक्स की जा रही है। तो परमजीत जी, जी सर, क्या क्या इसमें खाद में मिला रहे हैं? सर एक बोरी डीएपी है सर, एक बोरी डीएपी एकड़ के हिसाब से, और जी आधी बोरी यूरिया है सर, आधी बोरी यूरिया 25 किलो, जी सर अपना कॉम्प्लेक्स का एक बोरा है 25 केजी का, पोटास है जी, नहीं सर एनपीके है जी, एनपीके सारे तत्व हैं जी इसमें। अच्छा जी, एनपीके भी मिला रहे हैं जी, एसओपी पोटास है जी। अच्छा एसओपी जी, तो पोटास यानी एकड़ में एक बोरी डीएपी जी, 25 किलो यूरिया, यूरिया सर 25 किलो पोटास, पोटास इतना एकड़ में डालेंगे जी। जी सर, तो ये देखिए खाद मिक्स की जा रही है, सब मिक्स कर दे रहे हैं जी। ये देखिए खाद तैयार हो रही है गन्ने में बुआई के लिए, और इधर ये दवा है जी, थायोमेक्साम है सर। अच्छा जी, और फिप्रोनिल लिक्विड है सर, फिप्रोनिल है जी, थोड़ी पड़ी थी अपने इफ्को के सर विवाह की तो मैं वो, अच्छा समय से जला जी पड़ी थी तो मिलवा देते हैं अपना क्लोरो, तो बालू में मिक्स करके सर पूरे में फिर कोटिंग हो जाएगी सर, इसमें मिलाएंगे जी। अच्छा ये जो दवा है जी जी, इसमें बालू मिलाए दे रहे हैं जी, अगर सर इसमें ट्रैक्टर मिलाते हैं फिर वो बढ़िया मिल नहीं पाती बीज। अच्छा, बालू में इसको कोटिंग बढ़िया करके सारे में करके डबल काट देंगे। अच्छा इसी में मिलाते जी, कोण में बो देंगे फिर मिट्टी पड़ने लगे जी। तो देखिए इस हिसाब से ये एकड़ के हिसाब से खाद थी जो मैंने आपको बताया, ये 5 एकड़ का डोज बन रहा, बाकी 2 एकड़ का कल हो जाएगा सर, कल बो देंगे। अच्छा 5 एकड़ का डोज बन रहा जी, तो पूरा इसको मिक्स करके और कोणों में बुआई से पहले डाल देंगे, मिला देंगे, फिर उसके बाद टुकड़े रख देंगे, फिर ट्रेंच विद में हल्की सी 1.5 से 2 इंच मिट्टी चढ़ा देंगे, तब जाके ट्रेंच विद की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, यूरिया पूरे पर कर दो हल्का हल्का सारे। ये बुआई जो हो रही थी मैंने दिखाया था आपको, डालें मनु, डालो पूरी मिक्स की जा रही है, डालो यूरिया सब पे पूरे ढेर लगा रखा है। अच्छा फिर जब एक बार जमा हो जाता है फिर खाद का प्रयोग कैसे करते हैं? सर जब जमा हो जाता है अगर निराई गुड़ाई को करनी, पहली बात तो सर इतनी जल्दी कुछ जमता नहीं है, अक्टूबर में इस महीने में, फिर जब थोड़ा सा गन्ना हो जाता है फिर इसकी निराई गुड़ाई थोड़ा सा कर दें, गुड़ाई कर दें। पहला पानी कितने दिन के बाद लगाएंगे? पहला पानी सर मौसम पर डिपेंड भी करता है, ठंड कैसे क्या प्रभाव रहता है, ठंड का कम है या ज्यादा शुरुआत होती, जल्दी ठंड का शुरुआत हो जाती है। वैसे अगर सही सर विधिवत 5-7-10 तारीख अक्टूबर को गन्ना बोया जाए तो सर अक्टूबर तो सर नवम्बर दिसंबर सर 15 में हल्का पानी लग जाता है, दिसंबर हो जाए लग जाना चाहिए। अच्छा फिर से कुछ ना कुछ हल्की सी खाद दे दी जाए पूरा जमाव हो जाए। हाँ ये है सर, तो सीओएल के 14-201 है तो इसमें थोड़ा जी यूरिया चाहे 20 ही किलो पड़े हर पानी पे, थोड़ा सा सल्फर मिला दें, कई दफा माइक्रोनट कोई मिला दें। अच्छा क्या अकेली यूरिया ही एक तो डाल जा सकती है सर जी, विधिवत सारे पौधे हो जाए जी, सामान बाद में पड़ जाए, खेत के पौधे की आवश्यकता के अनुसार जो भी कार्य करना चाहिए सर। सल्फर है 3 केजी, ये सल्फर बोकोबर्ड 3 केजी, WDG हाँ जी सर, धीरे धीरे उड़ा होना चाहिए। अच्छा तो एकड़ में 3 केजी सल्फर भी है। दो जी है सर, 3 डाल दें वैसे 3 फिर बाद में पड़ जाती है 3 किलो। अच्छा। 5-6 किलो गन्ने में सल्फर तो चाहिए ही जी जी। तो ये सारा देखिए आइटम इसमें अभी मिक्स कर देंगे इसको, जितना मैंने अभी आपको डोज अभी कहा था बालू थोड़ी देर मंगा लो, ये पूरी 5 एकड़ की डोज तैयार हो रही है। और इधर ये दवा मिला रहे हैं, मिक्स कर एक थैला बालू भर लो और पूरा बोले जा दो भरला दो भरला करना। बुआई हो रही है, ये जो खेत मेला जैसा आप देख रहे हैं, दो जो आप देख रहे हैं खेत में उधर ट्रैक्टर चल रहा है, नाली निकाली जा रही है, और मेला जैसा आप जो देख रहे हैं ये उत्सव जैसा, ये गन्ने की बुआई हो रही है। दाना दाना जी, ये पोटास है सर। अच्छा ये पोटास देखिए मिक्स कर दिया, तो सारा आइटम इसमें मिक्स किया जा रहा है जी, दाना दाना पूरे पे कर दो। ठीक है भाई परमजीत जी, ठीक बहुत है, अच्छा लगा आपने आज पूरी प्रक्रिया दिखवा दी, नहीं सर शोधन से लेके और उर्वरक तक जैसे आप मिक्स कर रहे हैं। नहीं ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपसे भी सर, समय समय पे अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं किसानों को, हमको भी आपसे सीखने को मिलती है ना, नए नए आइटम आप लोग डालते रहते हैं। देखिए इस साल सर डोज भी सारा हम 1-2 साल से सर कम किए हैं सर। अच्छा डोज कम, हाँ 2 बोरी डालते 1 पे लाए हैं, फिर थोड़ी आधी आधी बीस फिर दोबारा दे देंगे जैसा जरूरत होगी। अच्छा एकदम नहीं जड़ पे, हाँ बुआई के समय में जितनी पड़नी चाहिए जी उतनी है सर, पर्याप्त है, बीच बीच में जब जरूरत अगर लगे जी सिंचाई करने के बाद जी जी, जी तो कौन सी गन्ना प्रजाति की बुआई हो रही है परमजीत जी? सर 16202 है जी,
ये 16202 जो बो रहे हैं अभी जी, अर्ली प्रजात है जी। अर्ली प्रजात, ये कहाँ से बीज लाए? ये सर लखनऊ से लाए जी, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से लाए हैं जी सर। तो ये बुआई हो रही है, देखिए। तो एक आंख का बो रहे हैं जी सर। कितनी दूरी पर? सर एक फीट पे रखा है। एक फीट पे जी, ठीक है, बीज ऐसे बोने चाहिए। और ये लाइन से लाइन की दूरी कितनी है सर? ये 3.5 है जी। 3.5 फीट है लाइन से लाइन की दूरी, ट्रेंच बीज से है, 42 इंच की दूरी है लाइन से लाइन की। और एक नाली में आप जिगजैग त्रिकोण फॉर्म में रख रहे हैं एक आंख की, कितनी लाइनें हो जाएगी इसमें? 5-6 लाइनें हो जानी चाहिए। ये 16202 की कितनी गांठें मिली थी आपको? 2100 गांठ थी। 2100 गांठ है जी। तो बीज अच्छा बन जाएगा अगली बार जी सर जी। तो ये पूरा खेत आपका बड़ा है, इसमें और कौन गन्ना प्रजाति बोए हैं जी? 14201 बोया है जी। 14201 बहुत लोग कहते हैं बढ़ती नहीं है, और आपके पास कितने एकड़ है कुल? हमारे पास सर काफी है गन्ना जी, पिछले साल का पेड़ियां भी हैं और अक्टूबर भी है जी बोया हुआ। अच्छा, तो बाकी जो कृषक बंधु कहते हैं बढ़ता नहीं, तो आप कैसे बढ़ा लेते हैं? नहीं सर, ऐसा ना, थोड़ा सा जमीन सर मजबूत चाहती है, जमीन मजबूत जी, जमीन के आकार प्रकार, थोड़ा सा पानी की मात्रा भी सर ज्यादा चाहता है, थोड़ा खुराक भी सर ज्यादा मांगता है अन्य गन्नों की अपेक्षा, खुराक ज्यादा मांगता जी जी। ये जो प्लाट बो रहे हैं कितना है? ये सर 7 एकड़ है जी। तो 7 एकड़ में आप अगर ये 4-5 लाइनें 16202 की छोड़ दें जी, तो बाकी COL के 14201 गन्ना बो रहे हैं जी। तो ये गन्ना देखिए पड़ा हुआ है, बुआई हो रही है। ये अभी जो कह रहे हैं गोलक 16202 इस तरीके से बो रहे हैं, एक फीट की दूरी है, त्रिकोण फॉर्म में, देखिए स्क्रीन पे देख रहे होंगे जी जी। तो अगली बार तो पर्याप्त बीज हो जाएगा? हाँ जी, काफी हो जाएगा सर। अच्छा जी, तो देखिए बीज जब आपको बनाना हो तो इसी तरीके से बुआई करनी चाहिए। ये त्रिकोण फॉर्म में बोया गया है, शोधित करके तो हाँ, बीज बन जाएगा जी सर। शोधित करके कार्बेंडा जिम में इसमें देखिए भिगोया गया है 15 से 20 मिनट तक जी जी। हाँ, उधर देखिए भिगोया भी जा रहा है। अच्छा, जो कमर्शियल वाला बोर है वो 2 आंख का टुकड़ा बोर जी, वो 2 बीज ऐसे तैयार करना चाहिए। तो इस बार गन्ना पिछली बार की अपेक्षा अच्छा है किसी उत्पादन के मामले? नहीं, ठीक है। अच्छा, बाकी कोई मौसम का सर प्रभाव ऐसा हमें लग रहा कि कई गन्नों में आम जन में बढ़वार सर कम हुई जी जी जी। आम जर्नल सारे एरिए देखे जाए जी जी, जो बहुत ही सेवा वाले लोग हैं, ज्यादा मेहनती किसान हैं, वो गन्ने बहुत ही सुंदर कईयों के खड़े हैं। तो 500 प्लस एक के भी प्रजाति किसी किसान के खेत पे बहुत बढ़ जा रही है और दूसरे किसान इसको नहीं बढ़ा पा, इसका क्या कारण हो जाए? ये सर जमीनों का, पहली बात तो 14201 में सबसे बड़ा कारण सर जमीन का, जमीन मजबूत हो बहुत जरूरी सर। और इसको पर्याप्त नमी भी चाहिए जी। आप पानी भी समय समय पे लगाइए, गन्ना कोई भी सर पानी ज्यादा नहीं चाह रहा, लेकिन जब वो मांगता है ना उतना। हमारे यहाँ सर भराव वाला पानी लगने की टेक्निक है। अच्छा। वो हम लोग गलत हैं सर एक तरह से। अच्छा, वो हम लोग कर नहीं पाते हैं। एक ऊन लगाया जाए, एक छोड़ दिया जाए। अच्छा, उसकी नमी की रेंज चाहिए। अच्छा, इसकी पैरेंगे वो इसकी पैरें वो सर बड़े स्केल पे हम लोग कर नहीं पाते। जैसे इस नाली में अगर एक बार पानी दौड़ा दे जी, तो फिर अगली वाली छोड़ दे, फिर अगली में दे, अगले में दे। तो ये जो नाली बीच से गन्ना बुआई है जिसे आप बोल रहे हैं, इसमें तो बहुत संभव है। हाँ, हो सकता है सर, क्योंकि अगर समतल होता तो नहीं होता। हाँ जी। और इसमें तो अगर आप एक बार कुंड आपका लेबल खेत हो और बना दें, तो एक बार ट्यूबवेल चला दें, साफ की तरह पानी हाँ जी। अपने आप एक नाली से भर जाता है। एक दो लोग वहाँ थोड़ा सा देख रेख के लिए हो, जैसे पहला पानी गेहूं के लिए विधिवत लगता है खड़े होके जी जी, तो लग सकता, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम लोग करते नहीं, लापरवाही वहाँ पे हो जाती जी जी। या लोग कर देते हैं या हम ही कर देते हैं सर, होना चाहिए सर। तो COL के 14201 की पेड़ी भी बहुत अच्छी हो रही है सर, बहुत बढ़िया है जी। थोड़ी सी यही बात है कि ये थोड़ा सा अपना हर अंश जितना माइक्रोन्यूट्रन वगैरह पूरे मांगती है सर, मांगती है जी। तो अपने हाथ बहुत एरिया है जी जी, काफी सर है। कई जगह सर इसकी पोर की बहुत लंबाई है, मोटाई बहुत देखी गई। ये सेवा भाव पे है जी जी जी। अगर गन्ना लंबा होगा तो पोरी की दूरी भी बढ़ेगी जी, लंबाई बढ़ेगी जी। तो चलिए देखिए, ये COL के 16202 की गन्ना की बुआई हो रही थी और ये बीज के लिए बो रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये परम जी से बात हो रही थी, ठीक। तो जो बीज बोएं तो कम से कम दूरी पे बोएं और बीज को बीज की तरह बोएं, गन्ना जी, की तरह नहीं जी, बिल्कुल। गन्ना जब आप बोते हैं तो चीनी मिल में सप्लाई के लिए बोते जी, हैं जी, बिल्कुल। और जब बीज गन्ना बोते हैं तो अगले वर्ष बीज तैयार कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही। तो बीज गन्ना और गन्ना में बहुत बड़ा अंतर है, इसका थोड़ा ध्यान रखे जी, बीमारियों से भी थोड़ा बचा हो तो आगे साल आपका स्वस्थ गन्ना भी रहेगा, बिल्कुल। अगर आपको अक्टूबर में गन्ना बुआई करनी हो तो आप मार्च वाला गन्ना इस्तेमाल कर सकते हैं, गन्ना होगा कच्चा तो बहुत अच्छा जमा होगा। तो देखिए ये ट्रेंच मशीन है और इसमें देखिए मार्कर भी है, इस मार्कर का क्या फायदा होता है? ये सर मार्कर लगा के टायर फिर उसी पे आ जाता है सर। अच्छा, ये जो मार्कर लगा हुआ है जी, आपको द्वारा जाएगा कोण में नहीं फिर जाना है सर, कोण में नहीं जाना है, ये चिन्हित हो जाता है कि जी। अच्छा, चिन्हित हो जाता है तो अगली बार उसी पे निकलेंगे जी। तो देखिए मार्कर लगा हुआ है, उधर मार्किंग कर देता है तो पहिया अगली बार उस पे जाएगा जी सर। अच्छा कूंड निकला हुआ है, खेत की तैयारी जब अच्छी होगी जी तो कूंड अच्छा ही निकलेगा। लोहिया वगैरह लगाया जी सर, MB प्लाव लगाया सर, MB प्लाव भी लगा है। तो देखिए धान वाला खेत था,
अच्छा धान वाला जी, वैसे सर बिधवर फिर कब्जे में ही नहीं आएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, और समय वैसे भी सर कम रहता है। अच्छा अच्छा जी, चलिए अगर धान वाले आप खेतों को तैयार करेंगे। पुआल वगैरह सब इसी में सड़ गया जी? सब सड़ा दिया, सब इसी में सड़ा दिया, यूरिया डाल के। अच्छा, दाब लगा दी थी सर। चलिए बहुत अच्छा लगा परमजीत जी आपसे अच्छी जानकारी लेके, बहुत धन्यवाद आपका भी सर कि समय समय पे अच्छी जानकारियां मिलती हैं आपसे, बहुत ही धन्यवाद। एक फीट से ज्यादा ना हो, ठीक है, उसको थोड़ा नीचे दबाओ, ऊपर क्यों टांग रही हो? हाँ, इसकी पत्ती छुड़ा ना, आंख ऊपर को रहे भाई, पत्ती छुड़ा देना, नहीं जमेगा नहीं। एक फीट से ज्यादा दूर ना रहे, ये कोसा 18231 की बुआई हो रही है, इधर 16202 की हुई थी, अब ये कोसा 18231 एक फीट की दूरी पे बोया जा रहा है। ये मिठास मेला गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में मिला है। ट्रेंच विधि में इतनी मिट्टी गिराएंगे, ये पेयर्ड रो में है, देखिए समानांतर क्रम में ट्रेंच विधि में बोए गए थे, तो गन्ने पे इतनी ही मिट्टी गिराएंगे, ज्यादा नहीं गिराएंगे जैसे यहाँ से गिरा रहे हैं। ये दोनों तरफ गन्ने रखे हुए हैं, इधर वाला जरा दिखा दो, इधर वाला, तो ट्रेंच विधि में कभी पाटा नहीं लगता, इसी तरीके से मिट्टी गिराई जाती है जैसे गिरा रहे हैं नाली में। हाँ, बेड़ा संभाल देना, नाली में एक नाली में गन्ने के दो टुकड़े रखे गए हैं दोनों तरफ समानांतर क्रम में, सब निकल गया, तो मिट्टी जो है इतनी ही गिराएंगे, निकल गया किसे निकला, इसमें कभी पाटा नहीं लगता है, बस 1.5 से 2 इंच तक मिट्टी गिरती है, और इस समय ढक जाए टुकड़ा तब भी ठीक है, नमी है पर्याप्त तो अंकुरित हो जाएगा। तो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ट्रेंच विधि में मिट्टी कैसे गिरेगी।